दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कदम चल दिया गया है। दरअसल दोस्तों, यूएस की तरफ से शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर अब यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए गए हैं और अमेरिका के इस सिस्टम का नाम हिमार सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है और अमेरिका के इस हथियार की वजह से आने वाले समय में रशिया के बहुत से सैनिकों की जान जाने वाली है और इस सिस्टम की मदद से आने वाले समय में यूक्रेन फिर से डोनबेस के एरिया पर अपना कब्जा जमा सकता है, क्योंकि इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 80 किलोमीटर है और जिस दौरान इसमें लॉन्ग रेंज के रॉकेट लगाए जाएंगे उस दौरान इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर वाले रॉकेट की मदद से आने वाले समय में यूक्रेन रशिया के जमीन को भी निशाना बना सकता है और अमेरिका के इस कदम को देखकर अब रशिया की तरफ से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल फिर से शुरू हो चुकी है और इससे आने वाले समय